नमो राघवा नमो राघवा। वैसे तो दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ रही है इस टाइम, लेकिन फिर भी हम आप सभी के लिए ये आज अपनी मूली उखाड़ रहे हैं, क्योंकि सर्दी तो घटने का नाम नहीं ले रही। और मूली हमारी, हमने इतनी मेहनत से घर पे ही अपने उगाई है, फिर हमारी मूली खराब हो जाएगी, ज़्यादा मोटी पड़ रही है। तो देखो हम आज आपके सामने ये मूली उखाड़ रहे हैं। देखो इतनी हमने पानी नहीं डाला है क्योंकि सर्दी लग जाएगी मूली में इसलिए, लेकिन हम देखो देखो ये बोरी में ही हो रखी है। और खाद बना लेते हैं, ये बन रही है ना चिक्कल विक्कल पुराने, उसी से देखो कितनी भयंकर मूली बैठी है। देखो उसकी हम इस मूली को निकाल के इस पर पानी में धोने के लिए अभी डाल रहे हैं, और भी निकाल रहे हैं अभी मूली ये सब देखो ये। और जो घर पे मिठाई के डिब्बे वगैरह जो कुछ भी पड़े रहते हैं उन्हें जला के भी इसी में डाल दिया करो राख बना के, किसी में भी लोहे के बर्तन। देखो ये कितनी मोटी है, आप इसको देखना, देख टूट गई नीचे से टूट गई मूली हमारी खींचने में, बहुत मोटी मूली हो रखी है। देखने से जब मूली खराब हो रही है, सर्दी घट नहीं रही है, इसलिए अपनी मूली उखाड़। देखो ये करेट में लगी है, आपको दिख रही होगी ये करेट में लगी हुई है, और इसको देखो नीचे जगह नहीं मिल रही इस मूली को जाने के लिए। तो देखो सारी मूली ऊपर आ रही है, ओ सारी मूली इतनी मुलायम है कि बीच में से ही टूट जाती है। सभी मूली हमारी मुलायम होने की वजह से बीच में टूट गई, कितनी मेहनत से हमने मूली की है टूट गई है भाई बीच में से। अभी इसमें खुरपी लानी पड़ेगी, उससे निकालेंगे इसको। तो तब तक हम आपको यही दिखा, देखो टूट गई ना, बहुत मुलायम मूली होती है, इतना अच्छा स्वाद होता है इसका। और इस तरह से धुल के, और धूप में तो जिस दिन हम इस तरह से इसको धुल लो, बस इसमें कोई, ये मूली आपको इतनी फायदा करती है हम कह नहीं सकते हैं आपसे। इसका स्वाद और इसकी गुणवत्ता, आप ये कहोगे इसको तो बाद में साफ कर ही लेंगे, ऐसे धुल धुल के रख रहे हैं सब। देखो घर पे बहुत सारी हमारे, और कोई बड़ा घर नहीं है, हम बार बार आपसे कहते हैं बिल्कुल छोटा घर है हमें, फिर लेकिन फिर भी ये जो खाद डालते हैं ना वो खाद ही चिपक रखी है। देख ये चीजें हम अपने घर की बना खाएंगे, यदि फिर भी हम आदि, क्योंकि समाचार में तो हम प्रतिदिन सुन ही रहे हैं तेल में मिलावट, चाय में मिलावट, दूध में मिलावट, सब में मिलावट आजकल आ रही है। और सब्जी का तो कहना ही क्या है, उसमें तो न जाने कौन कौन सी खाद डलती है उसके बाद वह बनती है। देखो हमने ये, और अभी इतनी, मतलब एक बार आप मंगाओगे बीज को, उस बीज से आप इतने दिन तक मूली खा लेते हो, कम से कम पूरी सर्दी में 4-5 महीने। अब इसी बोरी को जैसे हमने अब ये खाली कर दिया, अब इसको थोड़ी सी मिट्टी को इसको अच्छे से कर देंगे, जैसे इस करेट को भी खाली कर दिया, इसमें बहुत सारी मूली थी, हम 2-3 बार उखाड़ के ले गए थे, लेकिन हमने सोचा अब की बार आपके लिए सबको भी दिखा दें कि हम किस तरह से अपने घर में ही मूली भी कर लेते हैं और अपने खा भी लेते हैं। इसी को सोचते हुए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सर्दी घटने का नाम नहीं ले रही थी, नहीं तो हमने सोचा एक दिन चूल्हे पर रोटी बनाएंगे जब इसको निकालेंगे। लेकिन अब इससे ज़्यादा मोटी मूली हो जाती तो फिर पोली पड़ जाती, अभी तो देखो बिल्कुल एकदम मस्त रखी है, पोली पोली अच्छी मूली, इतनी स्वाद में हम 3 लोग हैं, 2 दिन चल जाएगी, क्या करना है, बहुत अच्छी। आपसे बस रिक्वेस्ट है थोड़ा सा बीज अपने घर में 2-4 ऐसे टप ले लो, ये रखे इस तरह से टप, देखो ये बस टप नहीं हो, आप बोरी में, बस बोरी में इस तरह से खाद बना लो
और इस तरह से इसमें बहुत देखो वैसे हमने तो टप ले रखी है 50-50 रुपए में 60-60 रुपए में दे जाता है हर माल 60 रुपए में। ये थोड़ा बड़ा इसमें अब पालक बोने वाले, ये मट्टी तैयार की है खाद वाद डाल के अब इसमें पालक बो देंगे। अब पालक बो देंगे तो वो चलेगी अप्रैल मई तक। और पहले हमने एक पालक का वीडियो डाला है आपने देखा ही होगा उसे, हाँ कम से कम 5-6 बार निकाल लियो अब भी चल रही है। देखो टमाटर भी होने लगे, ये सब बोरियों में टप में चाहे किसी में भी कर लो आओ अपने घर के खा लो एकदम। ये आपके सामने की सारी चीज है तो हमें पता तो है कि ये हमारी कितनी शुद्ध चीज है। इसके पत्ते की भुंजिया वैसे सर्दियों में कोई खाता नहीं है, इसके जो जो बीच के जो पत्ते होते हैं ना ये मुलायम वाले, ये मुलायम पत्ते इनको आप डायरेक्ट ऐसे ही खा लिया करो, कैसी भी गैस हो और डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदे करते हैं ये बीच बीच वाले 2-4 पत्ते ज्यादा नहीं। हमने अपनी दादी को देखा था फिर हमने खा के भी देखा प्रैक्टिकल किया, जो चीज को हम खुद उपयोग करते हैं वही हम वीडियो फिर बाद में बना के आप लोगों के साथ आप लोगों को बताने के लिए शेयर करते हैं कि जैसे क्योंकि हम आप सभी लोग एक दूसरे से जब देखते हैं जब ही हमारा मन करता है कि चलो हम भी ये काम कर लें, बहुत चलो उन्होंने किया हम भी कर लें, इस तरह से एक दूसरे पे देख के मन करता है और हम आगे बढ़ते हैं। इसी विश्वास के साथ आप भी अपने घर में गमलों में टप में मूली लगाएं उगाएं और अपनी घर की मूली खाएं, फिर आप देखो क्योंकि ये सामने इसमें किसी तरह की सिर्फ घर में जो बचती है साग सब्जी जैसे छिक्कल यदि आपके इनके पत्ते वगैरह इनकी सब चीज उपयोग में आ रही है, इतने स्वाद पत्ते इतने पत्ते अच्छे बाजार में आ रहे हैं कहीं इतने अच्छे एकदम हरे तरो ताजा पत्ते। इसी विश्वास के साथ नमो राघवाय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम।